तो चलिए फ्रेंड, आज आपके सामने जून मंथ का इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड थीम लेकर आया हूँ आपके सामने। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस है फ्रेंड। इससे जो है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, माने ऑप्शन 1 का ए, ठीक है फ्रेंड, इज़ द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, तो इस बार का जो है 2021 का थीम जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा 2021 का जो है होस्टिंग कंट्री जो है वो पाकिस्तान था, और जो है ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 1972 से मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? तो फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो फूड सेफ्टी डे जो है 7 जून को मनाया जाता है, माने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा फ्रेंड, इस साल का जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम है टू डेज सेफ फूड फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो फ्रेंड, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओशियन डे जो है 8 जून को मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा फ्रेंड, इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, यानी महासागर जीवन और आजीविका, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज़ द वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे ऑब्जर्व्ड? तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 12 जून, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे LAPOUR होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया फ्रेंड। इसके अलावा इसका जो है थीम इस बार का क्या है? इस बार का थीम है एक्ट नाउ चाइल्ड लेबर, ठीक है फ्रेंड, मतलब जो है अभी कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। इसके अलावा द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड दिस डे इन द ईयर 2002 टू एंड चाइल्ड लेबर ग्लोबली, ठीक है फ्रेंड। इस आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 जून। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। इसके अलावा फ्रेंड, इस साल का जो है थीम क्या है? तो इस साल का थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, ये एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे क्या है फ्रेंड? एल्बिनिज्म जो है ना, ये एक बीमारी है, ठीक है ना, ये स्किन का बीमारी है। आप देखे होंगे कि कई कुछ लोग जो है ना, जिनका स्किन जो है वो वाइट होने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा बदन का जो है स्किन उनका वाइट हो जाता है, या फिर उनका पूरा जो है वो पैदाइशी एकदम वाइट पैदा होते हैं वो, उनका हेयर जो है वो, बाल जो है एकदम वाइट होता है। तो ऐसे लोगों से डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए जो है ना, ये जो है वर्ल्ड अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ये 14 जून को मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम क्या है फ्रेंड? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, यानी खून दो और दुनिया को धड़कने दो, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये 2004 से इस डे को मना रहा है,
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, व्हेन इज़ द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 15 जून। ठीक है फ्रेंड, 15 जून, और इसका थीम है एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय तक पहुंच। ठीक है फ्रेंड, इसके वाले पॉइंट्स क्या है, द पर्पज ऑफ दिस डे इज टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग वायलेंस अगेंस्ट ओल्डर पर्सन। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 3 जून 2021। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर दिस डे टू बी सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर है 2018, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा इस साल का थीम क्या है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे का, थीम है यूनिकनेस वर्सटिलिटी लॉन्गेविटी ऑफ द बाईसाइकिल एंड सिंपल सस्टेनेबल अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जो है ना प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ बाईसाइकल्स एमंग ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है ना वो जो है 20 जून को मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का डी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा इसका जो है थीम क्या है फ्रेंड, इस साल का थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, यानी जो है साथ में स्वस्थ रहना सीखना और चमकना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है हम लोग सभी जानते हैं कि ये 21 जून को मनाया जाता है, यानी 10 का बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा इसका थीम क्या है, इसका थीम है योगा फॉर ह्यूमन वेल बींग एंड वेल बींग, यानी जो है मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। उसके अलावा ये तो मतलब जो है इंटरनेशनल, ये जो है वर्ल्ड का जो है आपका थीम है, इंडिया में थीम क्या था, तो इंडिया में थीम था योगा फॉर वेलनेस। ठीक है फ्रेंड, योगा फॉर वेलनेस माने स्वास्थ्य के लिए योग। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2015। तो ये पॉइंट जो है ना फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड योगा डे कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, व्हेन वॉज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है ना ये 21 जून को मनाया जाता है, यानी 11 का बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा इसका थीम क्या है फ्रेंड, इसका थीम था म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन माने जो है चौराहों पर संगीत। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है ना वो आपका 23 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा फ्रेंड इसका थीम क्या है, इसका थीम है स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विथ ओलंपिक डे वर्कआउट, यानी जो है स्वस्थ रहें मजबूत रहें ओलंपिक वर्कआउट के साथ एक्टिव रहें। और फर्स्ट टाइम जो है ना ओलंपिक डे जो है वो मनाया गया था 23 जून 1948। ठीक है फ्रेंड, चले उसके अलावा जो है 23 जून को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, 23 जून को हम लोग मनाते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। ठीक है, ये भी 23 जून को मनाते हैं फ्रेंड। उसके अलावा 23 जून को जो है इंटरनेशनल वीडो डे भी मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ना 26 जून होगा, यानी 13 का सी इज़ द राइट आंसर। इसका थीम क्या है फ्रेंड? इसका थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव, यानी जो है ड्रग्स पर तथ्य साझा कर जीवन बचाएं। चले फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो है 29 जून को मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का डी इज़ द राइट आंसर। इसका थीम क्या है फ्रेंड? थीम है इसका इंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये जो है हमारे पीसी महालनोबिस हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी को के दिन जो है ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर्मेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया, टाइपिंग में गलती हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे होगा तेलंगाना फॉर्मेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 जून। इसके अलावा फ्रेंड क्या देखते हैं, तेलंगाना को जो है ना गठन जो है वो फॉर्मेशन जो है वो 2 जून 2014 को हुआ था। इसके अलावा इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तेलंगाना का? तेलंगाना का ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, और उसके बाद सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। और जो है इसका लेजिस्लेचर कैसा है? इसका लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल, माने डबल हाउस है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 46 सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 119 सीट है, राज्यसभा का सीट जो है तेलंगाना में वो 7 सीट है, उसके अलावा लोकसभा में 17 सीट है फ्रेंड, और जो है ना हाई कोर्ट जो है वो हैदराबाद में है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 30 जून। चले फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेटेड? तो ब्रेन ट्यूमर डे जो है ना वो 8 जून को हम लोग मनाते हैं, माने 17 का बी इज़ द राइट ऑप्शन। 8 जून को फ्रेंड हम लोग वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हूँ आप ऊपर में। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? तो नो टोबैको डे जो है हम लोग कब मनाते हैं? 31 मई, यानी 18 का बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसका थीम क्या है फ्रेंड? इस बार का थीम है कमिट टू क्विट, यानी जो है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे जो है हम 1 जून को मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, 1 जून को मनाते हैं, यानी 19 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा फ्रेंड इसका थीम क्या था? थीम आप यहाँ देख सकते हैं, थीम इसका था फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेज अराउंड द एनवायरमेंट न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। ये जो है ना नेशनल मिल्क डे हम लोग कब मनाते हैं? तो नेशनल मिल्क डे हम लोग जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो है ना डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इसको जो है फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। चलिए फ्रेंड आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि विच पर्सनालिटी इज नोन एज फ्लाइंग सिख? तो आपको फ्रेंड कमेंट्स करके ये बताना है कि क्वेश्चन ऑफ द डे का जो है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पीटी ओसा होगी, मिल्खा सिंह होगा, या मेजर ध्यानचंद होगा, या फरहान अख्तर होगा। ठीक है फ्रेंड, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।